एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, तो पहले वेलकम करता हूँ। और मैं जिम्मे अपने एक्सपीरियंस से देते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ईपीएफ से जाम ले हुए उसे मैं अकाउंट सीसर के तौर पर रिटायर किया। और मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी इन जनरल थी, करीब 2 लाख बंदे ने मैं रिप्रजेंट करता सकते ऑल इंडिया का, सारी जिन्नी भी नेगोशिएशन डिपार्टमेंट के नाल इंप्लाई की होंगी थी वो मेरे ही थी, एक कार से सारा दफ्तर ऑल इंडिया का बंद हो। खैर ये मेरा पिछोकड़ थी, बाई चांस मैं इतने आया किसी फ्रेंड के थ्रू, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होम थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने थ्रू मेरे फ्रेंड से उन्होंने थ्रू मैं आया। इतने आके मैं थोड़ा लर्न करना सीखा, सीखने की कोशिश की, इन्होंने जो पढ़ाया सिखाया उसका दम होया। मेरा टू बी वेरी फ्रेंड शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जी थी ला दी थी, मैं प्रैक्टिस ला दी करना चाहता थी, सम हो एक्सीडेंटली कह लो या गॉड विलिंग कह लो मैं इधर आया। इतने आने बाद जो भी इतने लर्न मिलिया, इतने का कल्चर मिला, इतने का माहौल मिला, इतने की आपस की कोऑपरेशन मिली, और आस्ते आस्ते पता लग गया कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जी है ये एक ब्रांड है, किसी भी कंपनी के नाल तुसीं इहनूं कंपेयर नहीं कर सकते। जो कंपनी की मार्केटिंग या जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है, जो कंपनी के एथिक्स ने, वो किसी कंपनी के नहीं है। इन्होंने जो किया उ देंगे, जो इन्होंने किया इन्हों की फस्ट प्रायोरिटी जी है वो कस्टमर प्रायोरिटी, इन्हों के जिन्हें भी प्रोडक्ट न कस्टमाइज प्रोडक्ट न जो ये कहेंगे वो ही लेके देंगे। जिम्मे कई बार एजेंट आते हैं वो दसते कुछ हैं कहते कुछ हैं और हों कुछ है, इतने धोखेधड़ी वाला कोई कम नहीं है। सो मैं हालांकि मेरा इतने दिल नहीं सी, पर फिर भी जो इतना का मैं कल्चर देखा, इतने का माहौल देखा, इतने इन्हों की ट्रांसपेरेंसी देखी कि एक कंपनी बहुत बड़ी है, फिर इन्हों की सेटलमेंट रेशो देखी, अगर कोई बंदा किसी के घर से कोई कैजुअलिटी हो जाती है जिसे इंश्योरेंस का परपज है, किमें जाके दौड़ दौड़ के उन्होंने क्लेम दी पैसा देंदे हैं, तो मैं ये लग्या कि नॉबल कॉज है ये। सगों मैं तो गवर्नमेंट सर्विस करता रहा, उसे तो चलो सू काम किया नहीं किया पैसे मिलने ही मिलने, लेकिन जोड़ा सा डिपार्टमेंट से वो भी एक सोशल सर्विस थी, तो यह भी एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस है किसी बंदे सही राय पाना, क्योंकि दुनिया बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं पैसे कमाण वास्ते, हर किसी का बंदा बंदे मिसगाइड कर देंगे, उन्हों का पैसा उजाड़ के उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंता। इवन कल मैं एक इंसीडेंट पढ़ रहा थी, साढ़ा ही कलीग बिहार का थी, उन्होंने बाइक जी है वो सवेरे सैर कर गई और उन्होंने गल च हार हूर पाए थी, तो वो लुट लट के उन्होंने और मारता उत्थे। सो मेरा कहना भाव कि पैसे कमाण वास्ते दुनिया क्या क्या नहीं करती, कि झूठ सच ये बोलती है, लेकिन इस कंपनी की ना एक खासियत है जो कहें लिख के देंगे और वही बंदे मिलता है। उन्होंने मैनू पैसे देते, उस तो गोवापुर में पिछले जुलाई से जाके आया, बहुत बढ़िया ऑर्गनाइज सू इतों ही एयरपोर्ट तो चकनगे उत्तर गोवा उतारे, गोवा एयरपोर्ट तो लैके होटल ले जाएंगे, होटल तो फिर सारा खाना पीना सब कुछ घूमना घुमाना इन्हों के जो ही तुम बन गए जी, फिर तो एक पैसा भी असी परसों कटना नहीं, इन्होंने तुम इतों एयरपोर्ट को बिठा के एयरपोर्ट से ले लेना है, वो उन्होंने बस जाएगी, इन्हों की बस घुमाएगी और सब कुछ जोड़ा है खाना पीना 5-स्टार होटल के इंजॉय करके आओगे। उत्तर ट्रेनिंग भी देंगे, समझाते भी हैं कि हाँ भी थोड़ा इस प्रोडक्ट के क्या, उन्होंने अनाउंस किया कि बापू का ट्रिप आया है वो, फिर जो अभी क्योंकि बहुत सीनियर बंदे आते हैं कंपनी के गुड़गांव हेडक्वार्टर है, उतों बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो दसते हैं कि आप इंजीनियरिंग लाइन में चलेंगे, ये कंटेस्ट है, ये फायदे हैं, ये नुकसान है। उन्होंने एक कंटेस्ट अनाउंस किया कि बापू अगे वास्ते डेस्टिनेशन है, 10 लाख का तुम करोगे, तो वो फिर मैं असी गल पढ़ ली, तो इतने आके अभी वो लग गए। तो उस तो बाद मेरा हूं जोड़ा है थाईलैंड और फुकेट का, मैं 10 तरीक में वापस आया, 7 तरीक तो लैके 10 तरीक तक पहले 2 नाइट आया और 1 नाइट बैंकॉक के एयरपोर्ट तो चुकया, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट तो चुकया, मेरे जिहड़े जिन्ने पैसे सी सारे दे सारे पैसे जिहड़े ने एक पैसा भी नहीं लग्या,
घर का समान लेने वास्ते 1000-2000 रुपया लगे वो अलग गल है, लेकिन कंपनी ने जो सू एयरपोर्ट तो चुकया जगह जगह पर जो कद सुने भी नहीं सी, कदे बीच पर लैके जा रहे हैं, कदे फाइव स्टार होटल बुक कर रहे हैं, कदे क्रूज च बिठा रहे हैं, कदे कितने डांस प्रोग्राम हो रहा है, कदे कितने हर तरह का मतलब उन्होंने तुम सोफिस्टिकेटेड तरीके पूरा केयर की, जिमें कि दवाइया का भी नहीं करते, मैं कहना कि एक दो दिन दवाई का भी कर देंगे, नवा नवा ब्याह हो उस तो बाद कोई नहीं पूछता, लेकिन एक कंपनी तुम हर तरह की सहूलत देती है और चंगे पैसे भी देती है जेडे बंदे काम करेंगे। देखो रिजल्ट तद ही मिलना अगर तुम भी इनवॉल्व करोगे, कुछ सीखोगे तो फिर तुम किसी दस पाओगे, तो जो तुम दसोगे और कम करोगे तो नेचुरली पैसे भी चंगे मिलते हैं। मेरे पिछले ही महीने कोई लख के करीब मैं अजे वो आया इनकम, परसों ही स्टेटमेंट आई 1 लाख तो उपर मेरी इनकम सी, 1 लाख रुपया मैंने सब उत्तर नहीं सी मिलता 1 लाख 14 करके, और अजे मेरे पुराने महीने के पैसे आने हैं। तो मेरा कहने का भाव अगर आप काम करा थोड़ा खुल के खिलोंगे तो सू हर तरह की फैसिलिटी कंपनी तुम बहर भी घुमाएगी, तुम्हें पैसा भी आएगा, और पैसा तो यह है कि 5 तरीक में तो 5 पैसे इन्हों के आने ही आने हैं शाम को, जिहड़ा असी काम किया होगा या जिहड़ी डेट इन्हों की होंगी है उस डेट में तुहाडे अकाउंट पैसे आ जाने। कई बार सू पता भी नहीं होता कि पैसे साढ़े आने हैं, लेकिन इन्हों का पहले मैसेज आना कि शाम को जी तुहाडे पैसे आ गए। सो साथियों तुसी खुशकिस्मत हो, खुश नसीब हो कि तुसी अच्छी कंपनी दे विच आने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहूँगा कि इधर उधर जाने की बजाय दिस इज दी राइट और बेस्ट कंपनी है मैक्स लाइफ, LIC, LIC दूसरी कोई इसके मुकाबले खड़दियाँ नहीं, भावें किसी भी कंपनी का आप नाम ना लीए क्योंकि किसी पर्टिकुलर नेम करना ठीक नहीं, लेकिन मैक्स लाइफ की मैं गरंटी नाल कह सकता, दावे नाल कह सकता कि सब तो बेस्ट कंपनी है। इन्हों की सैटलमेंट रेशो जी 99.34% कोविड के भी इन्होंने इन्ने क्लेम सैटल किए। सो यू हैव टेकन ए वेरी गुड चॉइस, अच्छा थोड़ा डिसीजन है, एंड फॉर दिस आई विश यू ऑल ए गुड लक। तुम मेहनत करो, पास हो, फिर कट्ठे रल के इतने इतने पहले कोविड तो पहले तो बहुत बढ़िया माहौल थी, सवेरे ही आते इतने परेड होंगी थी, परेड के जिस बंद ने कोई केस पाया हों रिकोगनाइज करते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देंगे सी, उसका नाम हाईलाइट करते थे। तो साथियों बहुत अच्छी कंपनियां मैं दूसरे भी देखे अहम कंपनियां ज्वाइन करने से पहले, तो कोई कल्चर जो मैक्स का कल्चर मिले किसी का कोई कल्चर नहीं मिला। सो यू हैव चूजन ए वेरी गुड कंपनी एंड आई विश यू ऑल सक्सेस इन लाइफ एंड आई विश यू ए सक्सेस इन दिस कंपनी, तेरा काम अच्छा हो, अगे बढ़ो, लोगों का भला करो। मैं कहना पैसे कमाने का जरिया नहीं है ये, पैसे ही कमाने हैं आप, जिमें कि सरदार जी बैठे हैं अभी 35-40 साल की सर्विस करके आए हैं सरकारी, तो हूँ भी अभी पैसे वाल ही दौड़िए तो फिर रब ने तो सू दे नो एंड, लेकिन ये इतने कंपनी च आके आप किसी सही राह पाइए, किसी मिसगाइड होने तो बचाइए, या भाई तेरे चिल्ड्रन वास्ते तेरे फैमिली वास्ते या इनका प्रोटेक्शन।